मैदान के अंदर स्टेप कर जाते हैं, क्योंकि आज का पहला मैच शुरू होने में है हैप्पी क्रिकेट क्लब बनाम चैंपियंस के बीच में आज का पहला मैच हो रहा है। दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश करते हुए स्ट्राइक पर कौन जाने वाले हैं मेरे ख्याल से मौसिन भाई क्या कमाल की पारी रही है पिछले मैच में जबरदस्त बैटिंग किया था मोशिन भाई ने यहाँ पर भी अगर अच्छा खासा इनिंग अच्छा खासा इनिंग्स क्या यहाँ खेल पाएंगे अपनी टीम के लिए तो आने वाला समय बताएगा तब तक तो के लिए इंतजार कीजिए खड़े सभी फील्डर्स आपने अपने स्थान पर खड़े होते हुए अच्छा खासा फील्डिंग सजाया है कप्तान जमीर ने अच्छा खासा रणनीति अपनाते हुए इससे एक अहम मैच में फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए देखो फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए सफल होने के लिए उम्र जाति विशेष शिक्षा आदि मायने नहीं रखती केवल सोच मायने रखती है और सब बाइक की पे क्या कमाल का प्रहार रहा देखने को मिला बल्लेबाज मोशन के द्वारा देखिए इमिडिएटली मार्क पर आया थोड़ा सा हार्ट करके और अच्छा खासा खा लेग साइड की तरफ मारा शॉट एक रन की मदद से पारी का आगाज होता हुआ अच्छी गेंद अच्छी गेंद की सम्मान की बल्लेबाज अकीब ने देखिए कोई गलती नहीं कर रहे आकीफ पिछले मैच में भी बहुत कुछ किया बल्लेबाजी के दम पे इस मैच में भी अपने आप को सही राह पर लेकर जा रहे हैं हाकिब अब स्ट्राइक पर मोसिन फिर से आ गया है क्योंकि पिछली दो गेंद में लगातार दो सिंगल मिली है बल्लेबाजी टीम को ओ, एक और बार हट कर ले की कोशिश की बल्लेबाज ने यहाँ ओहो हो। कमाल की डाइव अच्छा फील्डिंग का मजा आना देखने को मिला शॉर्ट पॉइंट फील्डर के द्वारा देखे डाइव लगाकर कर गेंद को रोकने में कामयाब रहे परंतु एक रन लेने से कोई रोक नहीं सके दोनों बल्लेबाज को एक रन की मदद से पारी का रन संख्या अब आ पहुंचा है इस वक्त तीन रन बगैर किसी नुकसान के, के। क्या शॉट है मजा आ गया उड़ता हुआ शॉट ओहो हो क्या इसको लपक लिया है एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है शुरुआत में जमीर भाई ने एक अच्छी कप्तानी में कहूंगा इसे खुद कप्तान आए थे शुरुआती ओवर लेकर और एक बड़ी मछली को जाल में पहले लड़ जाया बाद में फंसाया है अब नए बल्लेबाज नंबर तीन पर बैटिंग करने के लिए आशिफ आकीप आउट होने के बाद अब आशिफ को आना पड़ा है बैटिंग करने के लिए हाँ स्प्रे स्प्रे देखो लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए शुरुआत में जमीर भाई का बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे हैं इससे कॉन्फिडेंट जरूर बड़ा होगा गेंदबाज जमीर भाई में और जिस प्रकार की फील्डिंग देखने को मिली लांग फील्डर के द्वारा वाकि तारीफ करने वाली बात रही है आशिफ भाई ने कोई गलती नहीं की क्या कमाल का कैच लिया इन्होंने एक, एक, एक मुश्किल कैच को आसान आसान में तकलीफ दिया आशिफ तो काफी जिम्मेदारियां अब मोहसिन बाइक पर है तो चलो अब मोहसिन बाइक बैटिंग बैठेंगे करेंगे आने वाले समय पे ये देखने वाली बात रहेगी थोड़ी सी दिक्कत का कारण जरूर बनी है गेंदबाजी टीम बल्लेबाजी टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश शुरुआती विकेट लेने के बाद अब मनोबल ऊंचा हो चुका है गेंदबाज में थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए एक फील्डर को आगे लेकर आया है मिड ऑफ इलाका पर लंगा पिलाव का खाली है क्योंकि पावर प्ले जारी में है केवल दो ही के बाबा एक और बार बढ़िया गेंद बिल्कुल चढ़ पे थी गेंद बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हाथ खोल लेगा क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है लगातार सटीक लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए गेंदबाज मोहम्मद जमील ओ बाहरी किनारा पर लेकर मैन के फील्डर को भागने में मजबूर कर दिया है यहाँ बल्लेबाज ने ओ परंतु गेंद रोकने में असमर्थ रहे गेंद सी मार रेखा के बाहर चली गई ये चार रन की मदद से टोटल स्कोर सात एक विकेट नुकसान पर और देखिए एक ओवर समाप्ति के बाद पारी की जनसंख्या सात सात पर एक विकेट थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा सा दिक्कत का कारण ज़रूर बने थे गेंदबाज जमीर एक अच्छा खासा मोमेंटम देकर जाते हुए आने वाले गेंदबाज को एक अच्छी मोमेंटम देकर गए हैं अब किसके हाथ में गेंद थमाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि शुरुआती ओवर तो बहुत बेहतर साबित हुई है गेंदबाजी टीम के लिए और तौर पे ये बल्लेबाज आसिफ भाई को चलना बेहद आवश्यकता है सेहत चैंपियंस टीम के लिए ये दोनों बल्लेबाज को और कंधों पे कंधों मिलाकर जाना है यहां से एक लंबा सफर तय करके जाना होगा गेंदबाजी का मोर्चा अब संभाल रहे हैं आशिफ दूर चोर से अपने खोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए आशिफ और थोड़ी सी फील्डिंग में तकदील देखिए अब शॉट उन के फील्डर को शॉर्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट स्क्वेयर लेक लेकर आए हैं ओ बहुत जोर से मारने की कोशिश की अपना फ्रंट फुट को थोड़ा सा स्ट्रेच किया था जिस एलिवेशन की प्रतीक्षा कर रहे थे बल्लेबाज मोशीन वो नहीं मिला शायद उसी के चलते अपने आप से नाखुश रहे बल्लेबाज क्योंकि कोई संपर्क नहीं देखने को मिला बल्ले और गेंद के बीच में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला था ओहो हो क्या कमाल की गेंदबाजी रही है टप्पा खाने के बाद गेंद हैरादी हुई विकेट कीपर की दस्तानों में चली गई काफी ज्यादा हरकतें कर रही है गेंद इसे सरफेस पे इससे ये पता चल रहा है कि ये पिच में अभी भी जान है करके क्या कमाल की गेंदबाजी रही है लगातार दो अच्छी गेंदे अब मनोबुल ला अमूमन ऊंचा गेंदबाज में एक और बढ़िया गेंद वो सटीक और अनुशासित भरित गेंदबाजी देखने को मिलती हुई गेंदबाज के द्वारा अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया है लगातार तीन डॉट गेंदे और बल्लेबाज को सोचने में मजबूर कर दिया है गेंदबाज यहाँ बल्लेबाज करे तो क्या करे क्योंकि लगातार फुल लेंथ गेंद देखने को मिलती हुई गेंदबाज के द्वारा एक और बार अस्सी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार दूर चोर से सीधा लाइन और फॉलो थ्रू भी बहुत बढ़िया है गेंदबाज का और एक और बढ़िया गेंद यहां पर भी कोई रन नहीं मजा आ गए गे। जबरदस्त गेंदबाजी का मजा आ रहा इसे कहते हैं अटैकिंग बॉलिंग क्या बॉलिंग कर रहे हैं सच में मजा आ गए एकदम नंबर वन ओहो हो, एक और बार देखिए थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था और बल्लेबाज जल्दबाजी कर बैठे बल्ला तेज घुमाया गेंद थोड़ा लेट आई और नतीजा आपके सामने रहा गेंद जाकर लगी थी शरीर के ऊपर और कोई रन नहीं मिला पिछली गेंद में लगातार पांच डॉट गेंदे ओ हो प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर इस टूर्नामेंट की पहली मेडिन बबर और वो आया आसिफ की गेंदबाजी के द्वारा क्या कमान की गेंदबाजी रही है आसिफ भाई मजा आ गए की कर रहे <laughs> आज का दिन गरीब कर आसिफ <laughs> और थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं मोशी ने आज देखिए आठ गेंद सामना किया अभी तक केवल दो ही रन बना पाया है अपनी टीम के लिए अब आसिफ भाई को आक्रमक रवैया अपनाना है किसी एक खिलाड़ी को हरार में रिस्क उठाना है नहीं तो आने वाले समय में बड़ी इमारत खड़ी हो जाएगी अपनी टीम के लिए चैंपियंस के एक अहम खिलाड़ी टीम की रीढ़ की हड्डी आसिफ स्ट्राइपर अच्छा शॉट लेकिन प्रोटेक्शन जरूर दिया इस एक शॉट के लिए एक रन बड़े आराम से मिल जाएंगे क्योंकि फील्डर बहुत दूर खड़े थे लगभग तीस दस गहरे लाइन के अंदर करीब शायद इसीलिए लिए यहाँ सिंगल लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी दोनों बल्लेबाज ने मिलकर एक सिंगल ज़रूर लिया एक और बार जोर से मारा हुआ शॉट ऑफ साइड जाकर गेंद को पिक किया था लेग साइड की तरफ भी मारने की कोशिश और गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए क्या गेंदबाजी रही है अभी तक जमीर भाई के द्वारा शुरुआती ओवर में आकर एक विकेट निकाल के दी थी और वहां से मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ वो टर्निंग पॉइंट रहा है इस मुकाबले में हकीक भाई की विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से ढकभगा दी हुई ये पारी ये एक और विकेट मैं कह रहा है था कि मोहसिन भाई आज मोहसिन भाई लय में नहीं नजर आ रहे करके शायद यहाँ अपने आप से नाखोशीश एक प्रदर्शन से अब चार नंबर पर बैटिंग करने के लिए एक और नए बल्लेबाज को आना पड़ा है न्यू बैट्समैन हनीपा यस हनीप, एस हनीप। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो इस अंधकार को मिठाएगा कौन देखिए पूरे तरह से अंधकार छाया हुआ है सेहत चैंपियंस के खेमे में इस अंधकार को मिठाएगा कौन ये प्रश्न चिन्ह रहा है अभी तक जवाब नहीं मिला है इस सवाल का बढ़िया गेंद अक्सर से अकराबर जा रहे गेंद जाकर टकराई रहा पर एक रन लेने की मांग और हो मांग पूरा नहीं होने दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर ने अच्छी खासी फील्डिंग देखने को मिलती हुई हैप्पी क्रिकेट क्लब टीम के द्वारा उड़ाया गेंद क्यों हवा में चलिए ओ, पस फेंक दीजिए अंदर है गेंद को गेंद जारी है सी मार रेखा के बाहर छह रन के लिए एक गगन चुंबी छक्का को मिला बल्लेबाज के बल्ले से

दो विकेट जरूर खो बैठी है टीम सेहत चैंपियंस साढ़े तीन सौ की से बल्ला घुमा रहे हैं हनीफ केवल तीन गेंद का सामना किया है दस रन पर आप पहुंचे हैं हनीफ अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए गेंदबाज आशिफ क्या है? एक और बार आशिफ को लेकर आया है जी हाँ बिल्कुल आशिफ का दूसरा ओवर और इनिंग्स का चौथा ओवर के पहले गेंद लेकर आशिफ सिटी एंड से तैयारी करते हुए अपने एक, एक अपनी दूसरी ओवर की देखिए थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए क्योंकि अभी पावर प्ले ख़त्म हो चुका है यहाँ कप्तान के पास एक सुनहरी मौका है मैक्सिमम पांच फील्डर खड़ा रखने का तो कितने के बिल्डर को लगाएंगे तीस दस घर के बाहर ये देखने वाली बात रहेगी बिलाल भाई भागकर जाते हुए पॉइंट की तरफ और देखिए एक प्रोटेक्शन जरूर दिया है बल्लेबाज़ को पॉइंट की तरफ शॉर्ट पॉइंट पर एक फील्डर और शार्ट मैन शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट स्क्टर लेग खाली इलाका शॉर्ट मिड विकेट खाली इलाका है मिड ऑफ इलाका खाली है और इसीलिए बड़े आराम से आप सिंगल ले सकते हैं और देखिए यहाँ शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को फील्डर नहीं था शायद उसी के चलते बड़े आराम से सिंगल मिला यहां दोनों बल्लेबाज को एक सिंगल की मदद से अब पारी की जनसंख्या आगे बढ़ता तो उन्नीस रन दो विकेट नुकसान पर क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं हनीपात पाते हुए क्या एक और बार बड़े शॉट के लिए जाना चाहते हैं यहाँ बिल्कुल बड़े शॉट के लिए गए एक टप्पा खाने के बाद गेंद निकल पड़ी थी लेकिन यहाँ प्रयास की तो ताक देनी पड़ेगी वाह मज़ा आ गए दो रन तो ज़रूर बचाए अपनी टीम के लिए यहाँ फील्डर ने मैं मानता हूँ कि यहाँ कैच लेने के लिए नहीं गया था फील्डर परंतु जिस प्रकार की फील्डिंग उन्होंने की जिस प्रकार की रोक उन्होंने लगाई ये गेंद पे शायद ये तारीफ वाली बात रही इसके खिलाड़ी के लिए क्योंकि दो रन बचाया है ये बहुत कीमती साबित हो सकती है आने वाले समय में फिर भी देखेंगे तीन दशमलव दो ओवर का खेल हुआ इक्कीस रन बोर्ड पर थोड़ा इंतजार किया गेंद आने तक अंतिम समय पर बल्ले का मुंह खोलने की कोशिश की अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का और एक रन बड़े आराम से ले लिया क्या यहां सिंगल माना जाएगा जी नहीं बॉल डेड हो चुका है शायद इसीलिए अब वापस आना है बल्लेबाज हनीब को देखिए फर्क इस बात की है कि टेनिस बॉल और सीजन बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा ही फर्क होता है ये टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कांटा बदली दिशा से भटकी हुई नजर आई अंपायर के मन में कोई शक नहीं रहा इसे वाइट घोषित करने में द, मिस्टर दामू नायक जी सी वेल क्वालिफाइड अंपायर स्टेट अंपायरिंग का कार्य संभाल रहे हैं और साथ में स्क्वेयर लेग अंपायर के रूप में सजगीर नायक सर हाँ लाख लाख धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं दो जी सी वेल क्वालिफाइड एम्पायरस अपना योगदान देते हुए और तीसरे एम्पायर हमारे आदरणीय आनंद कदम सर भी मौजूद है यहाँ जी सी के वेल क्वालिफाइड एम्पायर है तो चलो अब क्या खूबसूरत प्रहार देखने को मिला केवल इनपील्ड को क्लियर किया ये जानते थे कि डीपाइंड इलाका खाली है करके आख देखे जरा किसमें कितना है दम जम के रखना कदम मेरे साथियों नहीं हम चौका चक्का लगाएंगे जीतने आए हैं तो बस जीत कर ही वापस जाएंगे ये उम्मीद जागृत हुई है सिहत चैंपियंस की टीम में क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज वो काम कर दिखा रहे हैं जिस काम के लिए जाना चाहते हैं अच्छा प्रयास एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद केवल एक ही रन मिलेगा इस शॉट से। दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन मना किया दूसरे के। दूसरे के, के लिए। ओहो oh, 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 क्या शॉट है मजा आ गए गेंद एकदम स्लाट में पार्क किया है पार्किंग लाट में रन के लिए

और इसीलिए तो मैंने कहा था भाई फरो को खोल जमाना उड़ान देखता है करके अरे जनाब फरो को खोल जमाना उड़ान देखता है जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत तो कर संभल कर चल तुझे सारे जहान देखता है चार ओवर समाप्त के बाद चौतीस रन है स्कोर बोर्ड पर दो विकेट वैसे खो बैठी है टीम आप गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए नए गेंदबाज मोहम्मद शकीब स्ट्राइक पर आसिफ भाई थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए अब बिलाल को आगे लेकर आया है तो चलो बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन पर एक फील्डर को तैनात किया है खासतौर पे ये बल्लेबाज के लिए अच्छा शॉट क्या दूर निकालने में कामयाब केवल इलपिल को क्लियर किया ये जानते थे कि लॉन्ग पर, पर कोई फील्डर मुकम्मल कर लिया दोनों ने मिलकर एक की मदद से अब टोटल स्कोर आ पहुंचा है इस वक्त 40 रन 40 रन पर दो विकेट ओ एक और बार जोर से मारने की कोशिश आशिफ के द्वारा दिखाई दी लेकिन गेंदबाज की यहां तारीफ किया जाए ये फोट लिया था बल्लेबाज को कि पहले बल्लेबाज क्या करने की कोशिश में करके शायद उसी के चलते बल्लेबाज से पाउंड से दूर थी गेंद कोई संपर्क नहीं देखने को मिला गेंद पीछे जाती हुई कोई रन नहीं मिली थी पिछली गेंद में लेकिन यहाँ देखिए क्या कमाल का छक्का रिसीव किया है अंदाजे से ना, ना पिए आसिफ भाई की हस्तियों को अरे भाई अंदाजे से ना, ना पिए आसिफ भाई की हस्तियों को अरे ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं भाई ओ कमाल का शॉट है इस मरतब सीधा खेल बैठे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर तैनात था, था और फील्डर ने कोई गलती नहीं की एक सॉफ्ट डिसमिसल मैं कहूँगा जहाँ पर खड़े थे डीप एक्स्ट्रा कवर रखे फील्डर वहाँ पर मार बैठे शायद उसी के चलते अपने आप से नाखुश जरूर होंगे आशीफ एक अच्छी पारी खेल कर गए अपनी टीम के लिए एक अच्छा खासा योगदान देकर वापस जा रहे हैं पवेलियन की और चार दशमलव पांच ओवर का खेल हुआ है पांच ओवर है पाँच ओवर माफ़ कीजिए और एक गेंद ऐड करना ज़रूरी है तो चलो अब ऐड किया जाएगा शिप के आउट होने के बाद किसको भेजा है बैटिंग करने के लिए प्रवेश अफराज अफराज को आना पड़ा अब पांच नंबर पर पा बैटिंग करने के लिए खट्टे तगड़े बल्लेबाज अब बैटिंग करने के लिए आते हुए काफी विस्फोटक बल्लेबाज है ये बल्ले पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ है टोटल स्कोर की हम बात करें तो छियालीस पर तीन विकेट छियालीस रन पर तीन विकेट फोर्टी सिक्स पर थ्री मोहम्मद शफी अनुभवी गेंदबाज का अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है ब्रह्म देवी की शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अब कर रहे हैं यहाँ जमीर भाई काफी बेहतरीन कप्तानी देखने को मिलती हुई इस एक अहम मैच में जमीर भाई के द्वारा और जबरदस्त क्या चार रन आएगा बिल्कुल चार मिलेगा कोई मौका नहीं होना फील्डर के पास गेंद को रोकने का गेंद निकल पड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन के लिए बहुमूल्य है चार ये चार रन ये चार रन की मदद से पचास का आंकड़ा पूरा कर लिया है सेहत चैंपियंस की टीम पचास रन पूरे हुए हैं सेहत चैंपियंस के आ, जोर से मारा हुआ शॉट आप साइड जाकर गेंद को खेल बैठे थे आड़े बल्ले से केवल सिंगल ही आया क्योंकि लांगा पर फील्डर खड़े थे और इसीलिए मात्र सिंगल मिला है एक रन की मदद से अब टोटल स्कोर 51 51 पर थ्री ओहो हो, क्या शॉट है उड़ाया गेंद को हवा में थोड़ा तो सा हट कर खेलने की कोशिश रहा जरूर देखने को मिली बल्लेबाज के उधर अक्सर की तरफ अक्सर की तरफ दे मारना चाहते थे परंतु गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए तो जिन्होंने थोड़ी स्लोवर वन गेंद पे फोकस की यहाँ अच्छा खासा गेंद फेंका नतीजा आपके सामने रहा कोई रन नहीं मिला पिछली गेंद में क्या कमाल की गेंदबाजी रही है मोहम्मद शफी के द्वारा पूरे टूर्नामेंट में नहीं एक मैच में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपना अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है इसे गेंदबाज ने कम बैक uh, किस तरीके की किया है देखिए आप uh, खुद देख लीजिए छक्का खाने के बाद जिस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली है पिछली दो गेंद में इससे ये पता चलता है कि अनुभव कितना काम आता है एक अहम मैच में करके अनुभव खूट खूट के भरा है इनमें थोड़ा तो सा हट कर खेला वाशाटा लेकर महाराजा क्या यहाँ पर दो रन लेने की मांग दिखाई देगी जी नहीं अच्छी फील्डिंग का मजा आ रहा Oh, दूसरा रन लेना चाह रहे थे दूसरे के लिए मना किया फ्रांस भाई ने केवल एक ही से संतुष्ट छह ओवर का खेल समाप्त हुआ छह ओवर समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या पर तीन विकेट फिफ्टी नाइन पर थ्री आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिक्कस द कम्प्लीशन ऑफ दिक्कस रन स्कोर बोर्ड लूजिंग थ्री विकेट्स It is so refreshing to see Hanif uh, and Mohammed. Hanif getting the moves on 25, his 10 delivery. What an incredible stuff yet again from Hanif. It is so refreshing to see Hanif getting across the stop, looking for a bank it, uh, here. शकीब एक और शकीब के हाथ में गेंद गेंदाते हुए कप्तान एक अच्छी सोच कप्तान की मैं क्योंकि जब गेंदबाज अच्छी खासी अपना प्रदर्शन दिखा रहा हो क्यों ना उसे लगातार दूसरा ओवर दिया जाए करके सोचा कप्तान जमीर भाई ने एक अच्छी सोच इस सोच से सहमत हुआ और ये देखिए क्या शॉट मारा है बातें नहीं काम बड़े करो क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है शायद ये बात को भी जानते हुए बल्लेबाज क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया है हनीप एक अहम मुकाबले में अपना अच्छा कैसा छाप छोड़ते हुए बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट छोड़ा है इस लिमिटेड ओवर गेम में हनीप Hello. भाई बत्तीस पर आप पहुंचे हैं केवल बारह गेंद का सामना किया है जबरदस्त बैटिंग का मजा हनी भाई के बल्ले से एक और बार थोड़ा सा हट करके खेलने की कोशिश बल्ले की बल्लेबाज ने यहाँ गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए लगातार बेहतरीन गेंदबाजी का मजा देखने को मिल रहा है यहाँ गेंदबाजी टीम के द्वारा शुरुआती ओवर में एक विकेट मिला था गेंदबाज हनी मोहम्मद शकीब को और इसीलिए दूसरा ओवर थमाया इसके हाथ में कप्तान की एक अलग सोच देखने को मिलती हुई और विकेट कीपर लगातार फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए अब के फील्डर को लांगा की तरफ खींच लिया है थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश और गेंदबाज और विकेट कीपर के, के द्वारा जोरदार अपील और देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है दोनों हम्पायर के ऊपर हम्पायर के मन में कोई शक नहीं रहा इसे वाइट घोषित करने में क्योंकि गेंद वाइट लाइन से बाहर जा रही थी एक और बार छोटा सा रनअप लेकर आते हुए सीधा लाइन और फॉलो थ्रू भी बहुत बढ़िया गेंदबाज रिलीजिंग पॉइंट काफी बेहतरीन टप्पा खाने के बाद एक और मरतबा दिशा से बटकी गेंद और नतीजा आपके सामने रहा एक और बार हम्पायर को दोनों हाथ को स्ट्रेच करना पड़ा यानी कि एक और वाइड है ये और फिर से तैयार और थोड़ा सा शॉट विकेट पर मौजूद क्या रोक पाएंगे गेंद को रोक लिया है अंततः एक रन से कोई रोक नहीं सके दोनों बल्लेबाज को एक रन की मदद से अब पारी के रन संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त 69 फॉर द लास्ट ऑफ थ्री विकेट अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अच्छा बत्तीस पर आ पहुंचे हैं एक और हुआ शॉट लेकिन इस बार क्या छूटा है और गेंद बाउंड्री लेन से बाहर भी निकल पड़ी ओ हो हो ये जख्मों पे नमक छिड़का नहीं बल्कि रगड़ा ही है गुरु ओ हो हो ये बड़ी भूल हो गई फील्डर से हनीप जैसे बल्लेबाज को दोबारा मौका देंगे तो ये बहुत भारी पड़ सकते हैं पड़ सकता है गेंदबाजी टीम के ऊपर ये आप देख लीजिए आप खुद क्या जबरदस्त जब बैटिंग कर रहा है हनी भाई हनी भाई का इंडिविजुअल स्कोर 36 और 14 रन चाहिए अपना शतक पूरा करने के लिए ओहो हा क्या शॉट है गगन चुंबी छक्का तारा मंडल में भेज दिया है गेंद को को किधर है किसी और की कॉपी नहीं बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनो देखो किसी और की कॉपी नहीं बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनो फिर देखना ये दुनिया तुझे लाइक नहीं फॉलो भी करेगी अब दुनिया फॉलो भी करेगी क्या कमाल का शॉट मारा है जबरदस्त इनसाइड आउट आया पूरे 6 रन बल्लेबाज हनीपा पहुंच गए हैं 42 पर केवल 8 रन दूर है अपना अर्धशतक से मत भागो किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो अरे जनाब मत भागो किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो वापस लौट कर वही आएगा खुद को जरा कामयाब तो होने दो अब कामयाबी का शोर मचा रहा है सेहत चैंपियंस चा, की टीम रहा। तगड़ी रफ्तार पकड़ी हुई है सेहत चैंपियंस टीम की गाड़ी तर छठी गेर में है गाड़ी न्यूटन्स का दूसरा नियम का पालन बखूबी किया है यहाँ फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पर कार बखूबी अपना फोर्स का इस्तेमाल किया है यहाँ बल्लेबाज हनीप ने जबरदस्त बैटिंग का मजा रहा केवल चौदह गेंद का सामना किया है हनी भाई ने और बयालीस पर रखे हैं आ पहुंचे हैं क्या कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली है हनी भाई के बल्ले से अब गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभालेंगे अब को लेकर आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए कप्तान की एक अलग सोच अब कप्तान खुद जा रहे हैं लॉन्गौन बाउंड्री पर लंगौन बाउंड्री पर जमीर भाई जाकर खड़े हो गए अब थोड़ी सी बिल्डिंग में तकदीर लेकर आ रहे हैं विकेटकीपर निरंतर रणनीति अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज के अगेंस्ट छोटी गेंद टपा खाने के बाद ज्यादा ही हरकत है गेंद ज्यादा आउटस्विंग होने के कारण हम्पायर के मन में कोई शेक नहीं रहा इसे वाइड घोषित करने में क्योंकि देखिए ये गेंद ज्यादा ही बाहर थी अस्तम से और इसीलिए ये लो क्या शॉट है much better shot more in control no need to run for that because the ball is went like a dress up decided to go for a bank it is well and look at that, the short selection uh, from a branch uh, between point and cover field uh. a wonderful placement and in the end uh, collect a four run hello how are match a curve Oh, this is clever. Absolutely clever. A great comeback from a bowler. After considering a boundary, get his redemption. And oh, that's a buy signal from the state empire as well. Oh, without a single. Oh, rotate oh, the strikes to the danger man. Honey, honey, is on a fire here. He's getting to move on from 42. Just eight away to reach the half century mark. Come on, honey, Take a ball. Will it be a waist height? I'm part looking to check this one. Oh, it's a waist height. It is a no ball. Be as well. करेगी लेकिन ये बल्लेबाज के बारे में क्या कहेंगे आप जबरदस्त बैटिंग करते हैं जब अलग मोड पे होते हैं देखिए इनका फर्मा सेट हो चुका है क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं हर एक गेंद पे बड़े शॉट लगाने की कोशिश दिखाई है बल्लेबाज के द्वारा अभी तक सत्रह गेंदे खेल बैठे हैं टोटल स्कोर की इंडिविजुअल स्कोर हलीफ भाई की छियालीस और चार रन दूर है अपना अर्धशतक से, से। बल्लेबाजी टीम का टोटल स्कोर 95, 95 फाइव पर थ्री ओ हो एक और बार बढ़िया। शॉट टीम स्कोर में बाउंड्री पर फील्डर मौजूद मिड विकेट के फील्डर को आकर ये गेंद को रोकने। गेंद को रोकना पड़ा जब तक आकर गेंद को फील्ड नहीं करते तब तक एक रन बड़े आराम से ले लिया था दोनों ने मिलकर एक रन की मदद से अब पारी का रन संख्या 96 सिक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ओवर सिक्स पर थ्री मोहम्मद अफराज गेटिंग टू मूव ऑन 47 पुर। पुर। ये शायद थोड़ी सी भूल जरूर हुई है कप्तान जमीर भाई से सज्जत भाई को थोड़ा लेट लेकर आए गेंदबाजी करने का मौका मिला है अब सजद भाई को सज्जत भाई थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए क्योंकि वो जानते हैं बल्लेबाज की स्ट्रांग जोन को बल्लेबाज क्या करने की कोशिश में है यहाँ बिल्कुल वो बखूबी जानते हैं शायद इसीलिए एक फील्डर को लगाया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और एक फिल्डर लॉन्गॉप इलाका पर लगाया है एक फील्डर को पीछे खींचते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक ऐसी सोच कप्तान जमीर की शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खुद कप्तान जमीर भाई खड़े हैं फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के फील्डर को आगे लेकर आते हुए तीस दस गे के अंदर इंतजार किया के कि नाने तक बहुमूल्य छह रन न अर्ध पूरा हुआ है बल्लेबाज हनीफ का बेमिसाल पारी सर उठा के जियो ओहो। एक और बार उड़ाया गेंद को हवा में लाजवाब टाइमिंग चलते स्लॉट में मिली जैसे ही गेंद स्लॉट में मिली पूरे ताकत के साथ उड़ा दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर छह रन के लिए एक और बार लंबा ऊंचा न जाने गेंद कहां जाकर गिरी है एक और गगन चुंबी छक्का लगातार तीसरी छक्का दाखिल किया है यहां बल्लेबाज हनीफ पूरी तरह से टूट पड़े हैं गेंदबाज के ऊपर जैसे ही लूज डिलीवरी देखने को मिली पूरी तरह से हावी होते हुए बल्लेबाज हनी इस मरतबा अच्छी फील्डिंग का मजा आ रहा है आसीफ भाई के द्वारा रॉन्गॉन के फील्डर आसिफ भाई के द्वारा अच्छी फील्डिंग तीन रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए एकमात्र रन मिला एक अच्छा कम बैक कर दे वे भाई तीन छक्का खाने के बाद बढ़िया कमबैक अच्छी वापसी सज्जद भाई के द्वारा और अच्छी गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई थर्ड मैन इलाका पर और थर्ड मैन पर फील्डर बने के नाता केवल सिंगल ही मिला एक सिंगल की मदद से अब टोटल स्कोर 116 पर तीन विकेट 116 116 रन पर तीन विकेट सेहत चैंपियंस टीम का टोटल स्कोर 116 ओवर के आखिरी गेंद में यहाँ क्या रन आउट मिलेगा जी नहीं क्विक सिंगल लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज एक सिंगल की मदद से अब टोटल स्कोर 117 रन देखिए शुरुआती तीन गेंद में छक्का खाने के बाद बाद में क्या कमाल की गेंदबाजी की है सद्दत भाई ने लगातार तीन अच्छी गेंदे देखने को मिली लगातार तीन सिंगल जरूर देखने को मिला और नौ ओवर समाप्त के बाद 117 रन 117 रन पर तीन विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नाइंथ ओवर 117 रन्स फॉर द लास्ट ऑफ थ्री विकेट 117 फॉर द लास्ट ऑफ थ्री विकेट ओह एक और बात जबरदस्त शॉट क्या ढूंढ निकालने में है कामयाब रहे बल्लेबाज हनी पे एक और चौका इनकी पानी में क्या बैटिंग कर रहे हैं जबरदस्त बैटिंग जीत के लिए जुनून चाहिए देखिए जीत के लिए जुनून चाहिए आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए जुनून चाहिए आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए यह आसमा भी आएगा जमीन पर बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए ये इरादे स्पष्ट नजर आ रहे हैं बल्लेबाज के कि बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहा है एक और लंबा ऊंचा चक्का चढ़ गया ओ जिंदगी जीना आसान नहीं है देखिए जिंदगी जीना आसान नहीं हो तार जबरदस्त है इनिंग्स की और बल्लेबाज हनीप को सो रन पूरा करने के लिए दो छक्का की जरूरत है ग्यारह रन चाहिए क्या सो रन पूरा करेंगे आज हनीब भाई दो शेष इनिंग्स की और हनीब भाई को ग्यारह रन की जरूरत है अपना शतक पूरा करने के लिए और टीम को डेढ़ सौ को पार करने के लिए ग्यारह रन की जरूरत है और ये खिलाड़ी गाँव सौ रन पूरा करने के लिए ग्यारह रन चाहिए क्या प्लेयर है जबरदस्त बैटिंग का मजा आ रहा जब भी प्रेशर पड़ा है अपना क्लास दिखाया है इससे एक मास्टर क्लास खिलाड़ी ने। यही वजह है कि ये कभी विचलित नहीं होते कभी घबराते नहीं है कभी हताश नहीं होते हैं क्योंकि इनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है अच्छा शॉट का क्या दूसरे रन के लिए जाना चाहिए यहां बिल्कुल भागना चाहिए था दूसरा रन के लिए यहाँ देखिए ये विकेट को सेक्रीफाइस करना पड़ा अफराज भाई आउट होकर अब वापस पिपिलियन के रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं अब बने बल्लेबाज को आना पड़ रहा है यहाँ रनआउट में रनआउट के रूप में विकेट मिला था शायद अब बैट्समैन तो शिफ़ आंसर वह आया है बैटिंग करने के लिए नंबर छ पे बैटिंग करने के लिए छ छ पे बैटिंग करने का मौका मिला है आज परंतु तो लास्ट स्ट्राइक पर रहेंगे इनिंग्स की आखिरी गेंद और उछाल कर खेला हुआ शॉट ठीक से बल्ले पे नहीं फिर भी गेंद अच्छे खासे बैट लिफ्ट के साथ गेंद निकल पड़ी है मिड विकेट बाउंड्री पर केवल एक ही रन मिलेगा दूसरा रन लेने की कोशिश जरूर दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं होने दिया है एकमात्र रन जरूर आ, मिलता हुआ इनिंग्स की इस मैच का अंपायर साहब मैदान के अंदर कदम बढ़ा कर जाते हुए सजगीर नायक साथ में रामू नायक दो वेल क्वालिफाइड सा, थर्ड अंपायर आनंद आनंद कदम सर तीन क्वालिफाइड अंपायर्स का बहुत बड़ा योगदान और टूर्नामेंट में देखने को मिला है अब देखने वाली बात ये है कि 142 रन का लक्ष्य का 42 रन का लक्ष्य कैसे पीछा करने वाली है टीम हैप्पी क्रिकेट क्लब दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर दिखाई दे रहे हैं स्ट्राइकर बल्लेबाज जमीर नॉन स्ट्राइक पर है बिलाल काफी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे यहां एक अहम भूमिका निभाना है आज जमीर भाई को देखिए शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शहर चैंपियंस की टीम 100 सौ एक सौ तो छोड़ दीजिए नब, करीब नब्बे करीब के करीब नब्बे अस्सी के करीब नहीं पहुंचेगी करके लेकिन क्रिकेट में आप अनुमान नहीं लगा सकते देखिए आप आप ये कैसे नहीं सकते कि टीम इतनी इतना ही रन इकट्ठा करने वाली है और ये नहीं करके क्या कमाल की सोच रचा यहाँ पर बल्लेबाज हनीफ ने एक जबरदस्त बैटिंग देखने को मिला हनीफ के बल्ले से टोटल नाइन्टीप इक्यानबे रन का एक बहुमूल्य पारी देखने को मिला हनीफ भाई के बल्ले से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन से दिया है इस एक अहम मैच में जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगा एक सुनहरी मौका है दोनों टीम के पास फाइनल में प्रवेश करने का अब शुरुआत करेंगे एक बड़ी पारी दूसरी पारी को एक संग्राम की है विश्व की कल्याण की है शक्ति है भक्ति है जन्मों का मुक्ति है और जीवन का संपूर्ण सार है महाभारत एक तरफ है बाहुबली की सेना तो दूसरी तरफ है कटपा की सेना आज कौन जीतने वाले दिगेनिंग हम दे चुके हैं द कंक्लूजन में रिजल्ट बाहर आने वाला है द कंक्लूजन है देखिए यूपीएससी एग्जाम में टोटल चार टीमें अवार्ड लिया था पहले को पास करना पड़ा बाद में मेंस की तैयारी थी अब मेंस एग्जाम लिख रहे हैं हैप्पी क्रिकेट क्लब और सेहत चैंपियंस अगर मेंस एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स मिल गए तो गवर्नमेंट जॉब पक्की मिलेगी और की पहली गेंद इसे पीछे जाने दिया विकेट कीपर के, के दस्तान में क्योंकि गेंद दिशा से भटक रही थी ये पहला वाइड इनिंग्स का देखने को मिलता हुआ गेंदबाज अफगान के द्वारा अफगान अपनी स्पेल की शुरुआत तो वाइड से की है और साइड एज बल्ले का टप्पा खाने के बाद गेंद थर्ड मैन फील्डर को चकमा देती हुई निकल पड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन के लिए दूसरी इनिंग्स की पहली बाउंड्री देखने को मिला जमीर भाई के बल्ले से जमीर भाई ये चार रन की मदद से अब पहुंचे हैं चार रन पर क्या कमांड की पारी देखने को मिली है जमीर भाई के बल्ले से एक अच्छी शॉर्ट सिलेक्शन देखने को मिला क्योंकि वो जानते थे कि डीप थर्डमैन पर कोई फील्डर नहीं है करके इसीलिए केवल थर्डमैन फील्डर को बीट किया और चार रन बटोरने में कामयाब रहे और फिर से आप तैयार और की और की दूसरी गेंद लेकर बड़ा रन लेकर आते हुए और क्या शॉट है मजा आ गए एक तो नहीं मिलेंगे पूरे चार अच्छी बैटिंग का मजा आ रहा कप्तान की अहम भूमिका निभाते हुए शुरुआत में एक अच्छी क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिली है बल्लेबाज जमीर से और हल्का सा कट लगाया और सिंगल चुराकर वापस स्ट्राइक दे दिया है एक अटटे-खट्टे तगड़े बल्लेबाज के हाथ में बिलाल बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर ये बल्लेबाज को बांधकर रखना है तो आपको सही अस्त्र चुनना होगा और यह क्या यहाँ आक्रमक अक्रम अपनाएंगे बिल्कुल अपनाना चाहिए क्योंकि रन रेट एक देख लीजिए, चौदह दशमलव दशमलव दो शून्य की है और थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश की ठीक से बल्ले पे आए नहीं गेंद मेरे ख्याल से ये लेग बाइज है और चलो लेग वाइज ही है क्योंकि स्टेट अंपायर भी बिल्कुल तैयार थे लेग बाइज का इशारा दे हुए एक लेग बाइज की मदद से पारी की जनसंख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त तो ग्यारह रन बगैर किसी नुकसान के ओह बढ़िया ट्राई कोई मौका नहीं किसी बिल्डर के पास गेंद को रोकने का एक और चौका अरे क्यों कोसता है मुकद्दर को तमाशा अभी बाकी है थोड़ा कोशिश तो कर जनाब, तेरी सांस अभी बाकी है शायद ये को भी जानते है ये जानते हैं प्लेयर क्या का, क्या इनिंग्स देखने को मिल रही है आज मोहम्मद जमीर के बल्ले से चार गेंद का सामना किया तेरह रन पर आप पहुंचे हैं एक और बार बड़े शॉट के लिए जाना चाह रहे थे अंत अंत में बल्ले का हल्का सा कट लगकर गेंद गई विकेट पर खुद गेंदबाज ने जाकर गेंद को रोका तब तक तो कोई रन नहीं मिली थी बल्लेबाजी टीम को और किस समाप्ति पहले छह गेंद समाप्ति के बाद पारी की जनसंख्या पंद्रह छह गेंद समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पंद्रह बगैर किसी नुकसान के अब स्ट्राइक पर बिलाल सफलता एक चुनौती है भाई इसे स्वीकार करो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बस कोशिश जारी रखना चाहिए दोनों बल्लेबाज को ए, पावर प्ले का दूसरा ओवर अब शुरू होने में है गेंदबाजी का क्रम कौन जारी रख रहे हैं यहां से प... पता नहीं चल रहा बॉलर नहीं शमी शमीउ सागर दूसरा विकल्प बॉलिंग डिपार्टमेंट में शमी उल्लाह सागर आप गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए और स्ट्राइक पर बिलाल है थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश पड़ने पांच की तरह दिखाई दी इस गेंद को थोड़ी सी समझने में छू हुई है बल्लेबाज से और इसीलिए गेंद पीछे निकल पड़ी विकेटकीपर के दस्तानों में विकेटकीपर कितने के ठोस नजर आ रहे एक बार देख लीजिए क्या कमाल की के विकेटकीपिंग रही है पूरे प्रतियोगिता में आकिब भाई के द्वारा आकिब विकेटकीपर आप ये आकिब भाई के, के द्वारा कमाल की विकेटकीपिंग देखने को मिली लिए पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खासा योगदान देखने को मिला है अब देखिए यहाँ एक रन जरूर ले लिया दोनों ने मिलकर एक अच्छा खासा रिस्क उठाया था एक सिंगल की मदद से टोटल स्कोर आगे बढ़ रहा है इस वक्त सोलह रन बगैर किसी नुकसान के शायद ये बात ठल रही है गेंदबाजी टीम के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत का कारण जरूर बने हैं बल्लेबाज जमीर गेंदबाजी टीम को थोड़ा सा परेशानी का समय जरूर चल रहा है इंतजार किया गेंद आने तक अंतिम समय में बल्ले का हल्का सा कट लगाया परंतु गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए जिन्होंने एक फील्डर जरूर लगाया था सिली एक्स्ट्रा कवर पर डीले हाथ से हुआ शॉट कोई रन नहीं मिला क्योंकि फाइंड पर फील्डर मौजूद और फिर से देखिए दबाव महसूस कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज जमीर क्योंकि पिछले दो गेंद में कोई रन नहीं देखने को मिला है जमीर के बल्ले से थोड़ी सी नाकोश जरूर होंगे थोड़ा सा हार्ट कर खेलने की कोशिश की गेंदबाज की यहाँ तारीफ की जाए सटिक और अनिशाजित गेंदबाजी देखने को मिली है गेंदबाज के द्वारा बेहतरीन लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए ये कंसिस्टेंसी अपनी लाइन और लेंथ में एक मरतबा देख लीजिए क्या कमांड की गेंदबाजी रही है बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक ये ओवर में जी अटैकिंग बॉलिंग किसे कहते हैं कोई किसे कहते हैं वो दिखा दिया यहाँ पर इन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की एक ओवर में एक विकेट और एकमात्र रन खर्च किया है शमी उल्ला अब नए गेंदबाज और माफ कीजिए फिर से अपवान को लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपवान का ये दूसरा ओवर इनिंग्स का तीसरा ओवर के पहले गेंद लेकर अपवान तैयार अब स्ट्राइक पर बिलाल है नॉन स्ट्राइक पर सजद पिछले मैच के हीरो क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिला था सज्जत भाई के बल्ले से 11 रन पे अर्धशतक पूरा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी फास्टेस्ट 50 सज्जत भाई के नाम रही है अभी विस्फोटक बल्लेबाज है सज्जत नॉन स्ट्राइक पर सज्जत स्ट्राइक पर है बल्लेबाज बिलाल इंतजार किया गेंद आने तक अंतिम समय में बल्ले का मोहला केवल इनपिंट को क्लियर करना पड़ा क्योंकि ये जानते थे कि पॉइंट इलाका खाली है करके एक बहुमूल्य चार रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ बहुत देर के बाद ये चौका आया है लगभग सात गेंद के बाद यह चौका देखने को मिला है अच्छी क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिलती हुई बिलाल के बल्ले से बिल्कुल आ, एक अच्छी कम बैक कर, देखने को पार के द्वारा बढ़िया गेंद पिन पॉइंट और थी उस गेंद को पढ़ने में कामयाब रहे काफी सुरक्षित ढंग से खेला उसे गेंद को डिफेंसिव क्रिकेट जरूर देखने को मिला था और यहां देखिए डाउन द दे ग्राउंड खेला केवल एक ही रन मिलेगा इसे शॉट से ओह जबरदस्त कनेक्शन मिल जरूर मिला बल्लेबा बल्ले का क्या चार मिलेगा यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि चार है करके परंतु देखना होगा थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया जा रहा है बाउंड्री বউন্ড্রি দিন ওকে বউড্রি বউন্ড্রি और अच्छी कनेक्शन देखने को मिली बल्लेबाज के द्वारा और देखिए यहाँ पर एक और बार क्या दूसरा रन के लिए जाना चाहिए था यहाँ दूसरे रन के लिए निकल पड़े और दूसरा रन भी पूरा किया क्या फुटबॉल खेल रहे हैं अंदर ये समझ में नहीं आई ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल खेल रहे थे करके मैदान के अंदर भरपूर कोशिश की गेंद को रोकने की फिर भी गेंद को रोकने में बहुत ज्यादा ही मेहनत करना पड़ा यहाँ फील्डर को छोटी गेंद उड़ाया गेंद को हवा में क्या ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी जी नहीं एक टप्पा खाने के बाद निकल पड़ी है बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन के लिए ओ लगभग पंद्रह बीस मीटर की दौड़ लगाकर आए थे कैच को पकड़ने के लिए फिर भी पकड़ नहीं पाए फील्डर के सर के ऊपर से निकल पड़ी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन के लिए तीन ओवर समाप्ति के बाद तीस रन ओवर समाप्ति के बाद तीस है स्कोरबोर्ड पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर थर्टी रन ऑन द स्कोरबोर्ड बाई लूजिंग वन विकेट थर्टी फिर से समी उल्ला सागर को लेकर आए हैं गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए समी उल्ला सागर एक खोटे का दूसरा ओवर समी उल्ला का और इनिंग्स का पांचवा चौथा इनिंग्स का चौथा ओवर का पहली गेंद लेकर खड़े होते हुए शमी उल्ला थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आ रहे हैं यहाँ गेंदबाज़ शमी उल्ला एक फील्डर को पीछे खेल है शार्ट फाइनल के इलाका पर शार्ट फाइनल पर एक ज़रूर दिया है बल्लेबाज के लिए खास तौर पे बिलाल के अगेंस्ट ये टेक्निक्स अपनाते हुए देखिए थोड़ा सा धीमी गति की गेंद करते हैं और जिस ऊंचाई की प्रतीक्षा कर रहे थे बल्लेबाज बिलाल वो नहीं देखने को मिली शायद उसी के चलते अपने आप से नाखुश अच्छे खासे बॉडम हैंड का इस्तेमाल करना होगा अगर ऐसे गेंद को खेलना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ओ उड़ाया गेंद को हवा में काफी देर तक हवा मेरे ये गेंद क्या यहाँ पर छे मिलेगा बहुमूल्य है ये छे रन काफी महत्वपूर्ण ये छक्का टीम के लिए ओ थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया जा रहा है वेस्ट हाइट के बारे में क्या ये वेस्ट हाइट है फेयर डिलीवरी इट्स लीगल डिलीवरी सिर्फ मेहनत से बदलती है बैठकर सोचते रहने से नहीं अब मेहनत दिन रात होगी सब्र करो एक दिन मेरी भी ऊंची औकात होगी ये जिताना है आज बिलाल भाई को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए जो बेहद अवश्य है इस वक्त पर अपनी टीम को एक और बात जोर से मारने की कोशिश लेकर निचले हिस्से पे लेकर गेंद गई है शॉर्ट स्क्वायर स्क्का पर शॉर्ट स्क्वायर पर कोई फील्डर नहीं थे और गेंद निकल पड़ी डीप फाइन लेकर इलाका लेक पर डीप फाइन फैलने के फील्डर को आकर गेंद को रोकना पड़ा जब तक आकर गेंद को फील्ड नहीं करते तब तक एक रन बड़े आराम से चुरा लिया था दोनों ने मिलकर एक रन की मदद से अब टोटल स्कोर आप पहुंचा है इस वक्त थर्टी थर्टी सेवन बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला बल्लेबाज़ पहा है भाई के बल्ले से एक रन की मदद से टोटल स्कोर थर्टी एट अड़तीस कीजिए थर्टी नाइन टोटल स्कोर थोड़ी सी कंफ्यूज स्कोरिंग बोर्ड में तो चलो अब एक और बार जोर से मारने की कोशिश जरूर देखने को मिली बल्लेबाज के द्वारा लेकिन गेंदबाज की तारीफ किया जाए लेंथ को पीछे खींचा था शायद वो एक दिक्कत का कारण बना है बल्लेबाज के लिए और जोर से मारा हुआ शॉट क्या यहाँ पर चार मिलेगा जी नहीं प्रोटेक्शन जरूर दिया है शॉट के लिए केवल सिंगल से ही खुश होना पड़ा और की आखिरी गेंद में केवल सिंगल आया है चार ओवर का खेल समाप्त चार ओवर समाप्ति के बाद पारी की 40। चार ओवर समाप्ति के बाद चालीस रन चालीस रन पर एक विकेट अभी भी जीतने के लिए छत्तीस गेंदों में एक सौ दो रन की जरूरत है छत्तीस में चाहिए एक सौ दो ये मुमकिन है तर आ, खिलाड़ी के लिए क्योंकि यहाँ देखिए लगभग सत्रह रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे और जोर से मारा शॉट क्या है यहां पर Oh, विकेट मिल सकता था बिल्कुल विकेट मिल सकता था विकेट भी नहीं मिला चार रन में सेट थ्री टू वन गो बल्लेबाजी टीम को हैप्पी क्रिकेट क्लब को दो बल्लेबाज हैप्पी क्रिकेट क्लब के दो मशहूर खिलाड़ी स्क्रीन पर दिखाई देते दे हुए स्ट्राइक पर बिलाल है नॉन स्ट्राइक पर सज्ज गेंदबाजी का क्रम जारी रख रहे गेंदबाज हनी अब बिल्कुल हनीफ और हरीफ का पहला ओवर की पहली गेंद काफी बेहतरीन गेंद साबित होते हुए शुरुआत बहुत बढ़िया हुआ है गेंदबाजी में क्या कमाल की गेंदबाजी रही है पूरे टूर्नामेंट में नहीं ये मैच में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खासा गेंदबाजी की है इन्होंने ओ ये हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड किया है गैप में इस एक मैदान पर हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड किया है बिलाल भाई ने एकमात्र रन मिला इस से से एक सिंगल की मदद टोटल स्कोर आ हाँ पहुंचा है छप्पन पर छप्पन पर एक विकेट ओ हो, हो बच गया है बाबा एक बड़ी शॉट यहां देखने को जरूर मिल सकता था सज्जत भाई के बल्ले से सज्जत भाई थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे नहीं तो ये यहाँ यहाँ जरूर छक्का मिल सकता था बल्लेबाज को उन्होंने तो, तो अपने आप से नाखुश सेलेक्शन से सज्जत भाई एक और बार जोर से मारने की कोशिश लेकिन ये गेंदबाज की तारीफ किया रणनीति क्या कमाल की सोच रचा है खास पर सज्जत भाई के अगेंस्ट ओहो हो उड़ाया गेंद को हवा में ऊंचाई और दूरी दोनों आसानी से हासिल की है गेंद संपर्क का बीचों बीच रहा है एक आधा डजन रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ ये आधा डजन रन की मदद से टोटल स्कोर 62 छह ओवर समाप्ति के बाद बासठ रन एकमात्र विकेट खोया है नौ विकेट हाथ में है अभी भी अब 24 गेंद में जीतने के लिए 80 रन की दरकरार है बीस रन प्रति ओवर की आवश्यकता है जरूरत रन रेट बीस रन पर ओवर छह ओवर समाप्ति के बाद बासठ सिक्सटी टू फॉर वन ओ बिल्कुल बढ़िया गेंद ब्लॉक होल डिलीवरी और गेंद को पढ़ लिया था डिफेंसिव क्रिकेट देखने को मिलता रक्षणात्मक खेल देखने को मिला बल्लेबाज के बल्ले से हर खुशी को खुशी मत समझो हर गम को गम मत समझो अगर इस दुनिया में जीना है ना तो अपने आप को किसी से कम मत समझो 67 सेवन और ये को दीजिए

रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर बोर्ड पर रन पर एक विकेट की आखिरी गेंद तो आया विकेट पुलटास गेंद को पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई बल्लेबाज से एक बड़ी शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवाना पड़ा सचेत भाई को ये बड़ी विकेट है अभी भी अठारह गेंदों में पैंसठ रनों की जरूरत है यहाँ इक्कीस दशमलव आठ सात रन चाहिए प्रत्येक ओवर से अठारह गेंदों में पैंसठ रनों की जरूरत सात ओवर समाप्ति के बाद सेवेंटी सेवन फॉर टू अब बचे हुए अठारह गेंदों में सिक्सटी फाइव रन की जरूरत है अब uh, 77 for two आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेवंथ ओवर 65 नीड 65 रन्स टू विन फ्रॉम 18 डिलीवरीज yes. एक और बार हनीफ yes. हनीफ को लेकर आते हुए गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए अब देखिए स्ट्राइक पर बिलाल भाई है बिलाल भाई को आज अनहोनी को होनी में बदलना है असंभव कार्य को संभव में तकदील करना पड़ेगा आज फिलहाल भाई को अच्छा खासा बैटिंग निभाना है अंत तक डट कर खेलना होगा अपनी टीम के लिए और बढ़िया शॉट लगाने की गई थी कोशिश यहाँ देखिए जिस तरीके की बिल्डिंग सजाया है कप्तान ने वा की तारीफ किया जाए मोशिन भाई की अच्छी खासी कप्तानी मोहसिन भाई की देखने को मिलती हुई आउट होकर आगे गए जबरदस्त सा लंबा छक्का जड़ दिया स्ट्रेट ड्राइव आया पूरे तो, 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 सा, साहिब एक और बार जोर से मारा हुआ शॉट लेकिन इस मरतबा लंगा पर फील्डर जरूर खड़े केवल एक ही से संतुष्ट तो होना पड़ा एक सिंगल की मदद से अब टोटल स्कोर आ पहुंचा है एट्टी फोर फर्स्ट बॉल और विकेट मिल गई हनी भाई को विकेट मिली है Així pocò vaure guardar-se ha de passar अब नए बल्लेबाज शपी का शपी का यह है बैटिंग करने के लिए अगला मैच अगला मैच लाच टाइमिंग ला के इन में मिली थी जैसे इन में मिली पूरी ताकत के साथ और नजाकत के साथ उड़ा दिया ओ, ये गेंद को पीछे जाने दिया क्योंकि गेंद ओ हो अच्छी गेंद साबित होती हुई फेल डिलीवरी है तो चलो आप ओवर की समाप्ति आठ ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 88 88 एट। एट पर थ्री अभी भी जीतने के लिए बारह गेंदों में बारह गेंदों में चौवन रन की जरूरत है बारह में चाहिए 54 एटी एट फॉर थ्री फिफ्टी फोर रन टू विन दिस गेम फ्रॉम ट्वेल्व बॉल्स बारह गेंद में जीतने के लिए चौवन रन की जरूरत है यानी कि नो छक्के चाहिए बारह गेंदों में नो क्लीन हिट की सख्त जरूरत है यहाँ हैप्पी क्रिकेट क्लब को फाइनल में प्रवेश करने के लिए नो छक्का चाहिए कैलकुलेटिव रिस्क जरूर लेना है यहाँ बल्लेबाज बिलाल को क्योंकि विकेट अभी भी सात बची है कम से कम प्रत्येक गेंद में रन आना आवश्यक है यहाँ गेंद बल्लेबाजी टीम के लिए और की पहली गेंद में जबरदस्त चाटा मारा है एक जबरदस्त छक्का गगनचुंबी छक्का से टोटल स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 95, 95 पर फाइव थ्री इंतजार किया गेंद आने तक गंते समय में बल्ले का मौका में लगा एक और बाउंड्री मिली ओवर में तो खेलने के लिए बल्लेबाज शफीक ने अपने पास आने दिया अंतिम समय पर बल्ले का मुंह खोला अच्छा कैसा गैप ढूंढने में कामयाब रहे थे पर दे मारा एक चार रन जरूर मिला बल्लेबाज को एक सिंगल के के और मोहनजनीस के अब्दुल्ला भाई का आगमन होता वाया एमएमआई फाइटर अब्दुल्ला आए हुए हैं इस मैच का लाभ उठाने के लिए और ये देखिए कि शॉट मारा है मजा आ गया लगभग नब्बे मीटर का लंबा छक्का चल गया है सात गेंद में चाहिए छत्तीस रन सात गेंद में थर्टी सिक्स रन की जरूरत है पचास रन के लिए केवल तीन रन चाहिए बल्लेबाज को और चशाट एक सिंगल की मदद से अब बिलाल आ पहुंचे हैं अड़तालीस पर केवल दो रन दूर है अपना अर्धशतक से बिलाल तो हैप्पी क्लब का टोटल स्कोर 107 रन 107 रन पर तीन विकेट नौ ओवर समाप्ति के बाद 107, 107 पर तीन विकेट अभी जीतने के लिए छह गेंद में पैंतीस रन चाहिए छः में चाहिए पैंतीस छह गेंद में थर्टी फाइव रनों की ज़रूरत है अगर छह गेंद में छह छक्का चढ़ने में कामयाब रहेंगे तो हैप्पी क्रिकेट क्लब को फाइनल तक जरूर प्रवेश करा देंगे क्या करेंगे यहाँ बल्लेबाज बिलाल बिलाल और शपी के बीच में कुछ बातचीत जरूर देखने को मिलती हुई अब गेंदबाजी का क्रम जारी रख रहे हैं गेंदबाज जुनेद आखिरी छह गेंदें इनिंग्स की ये मैच की माफ कीजिए आखिरी छह गेंद मैच की अब शुरू होने जा रही है ओ बढ़िया शॉट एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई गए पाउंडी हाँ चार रन के लिए अभी भी स्कोर से लेवल हो सकता है इस मुकाबले में नहीं हुआ है भाई ये मैच में अभी भी जान जरूर डालते हुए बल्लेबाज बिलाल एक और बार बड़े शॉट के लिए तैयार होते हैं क्या ये वाइड है बिल्कुल वाइड है अब चार गेंद में चार छक्का चढ़ देंगे तो ये मैच को जिता देंगे क्या करेंगे बल्लेबाज यहाँ टोटल स्कोर 118 आउट इनसाइड एज और मिल गई विकेट अगला मैच डीसीसी वर्सेस आजाद लेवन मलबे के बीच में होने जा रहा है तो प्लीज दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आए कमेंट्री बॉक्स के करीब आजाद इलेवन मलबे टीम के कप्तान को जल्द से जल्द आना है कमेंट्री बॉक्स के करीब कमेंट्री बॉक्स के करीब टॉस उड़ाने के लिए प्लीज और साथ में डीसीसी ड्रीम्स क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान को भी आना है यहाँ टॉस उड़ाने के लिए प्लीज ड्रीम्स क्रिकेट क्लब के टीम के कप्तान कहाँ पर है ड्रीम्स क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान को जल्द से जल्द आना है यहाँ टॉस उड़ाने के लिए आजाद टीम के कप्तान अब आ चुके हैं प्लीज ड्रीम्स क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान पर है? हाँ, Dreams Club टीम के कप्तान आ गए और आजाद इलेवन टीम के कप्तान कुरेश भाई भी आ चुके हैं तो चलो अब टास होगा इस टास पर के हमें भाग लेने के लिए हमारे आदरणीय मोशिन भाई से मैं बुलाना चाहता हूँ अगला मैच होगा